यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग। आज की वीडियो में मैं खेलने जाने वाला हूँ फ्री फायर गेम प्ले। और फ्री फायर गेम हम दोबारा से टाइम खेलने जाने वाले हैं लॉन्ग वुल्फ। आपको पता है हम लॉन्ग वुल्फ के लिए स्पेशलिस्ट है, तो पहले राउंड में तो गन उसको सिलेक्ट करनी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो जो गन सिलेक्ट करेगा उससे हम खेलने लगेंगे। उससे M10 लिया हुआ है, UMP लिया हुआ, डेजर्ट ईगल गया इसके पास। मेरे को नहीं पता ये भैया देखा 67 का मैंने हेड शॉट नहीं, अभी तो डैमेज दिया और पूरा। सॉरी कोई दिक्कत वाली बात बनती नहीं, हमने पहला राउंड तो आराम से उसको फिनिश कर दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम अपना वहाँ पिंक है जो थोड़ा खाई हो रहा है, तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे में ग्लू वाल थोड़ी मोड़ी लगी थी, तो इस बार इस रन में भी उसने गन सिलेक्ट किया वो ही है, तो मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गन तो ना मेरे को फाइनली हमारे को बहुत अच्छी चलानी आती है, तो यहाँ पर ये आ गया। कोई दिक्कत ये फंस गया सी है। निकल चल, मेरे को सब गन अच्छी चलानी आती है। और ये दो गन तो अच्छी है पर चलानी भी आती है। 91 का इसमें मैंने हेडशॉट दिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उससे भी ज़्यादा हम लगाएंगे, मैं M10 सेलेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि M10 जो गन की जो पिकअप है ना, हाई लेवल पिकअप है। तो आप बिकलो नहीं यार, उसका सेलेक्ट का दांग आया था, तो उसने बोली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे सेलेक्ट में नहीं थी गाइस, इसलिए मैंने ये नहीं ली। पैसो ये भी हम वन टैप लगाने में हम स्पेशलिस्ट है गन के। कभी कभी लगता है कि पुनीच भगवान है, पुनीच भगवान है, लग तो गया है गाइस। और फाइनली मैंने उस बंदे को, उसने हमें को पीछे से गा के और हमने हेडशॉट से उसको पूरा निपटा लिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब राउंड आता है हमारा 4 राउंड, 3 राउंड तक चढ़ेंगे जीत गए। उसको आग की तरह, पवन की तरह उसको पता भी नहीं चला वो बंदा मेरे को कहाँ से मार के आगे कहाँ से चला गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना ख़राब पहलेंगे तो पूरी जिंदगी में वह मुँह पर आते ही हेडशॉट पूरा लगा दिया। क्या यार गाइस, वन टैप बोल दे बिड़ू, वो बंदा तो घबरा गया होगा कहाँ कहाँ से। तो 4 राउंड सडिंग गाइस जीत गए। ये मैच में जो मज़ा आएगा वो मज़ा तो किसी वाले मैच में नहीं आएगा। तो नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। यार इतना बड़ा गेम प्ले के लिए आपको सब्सक्राइब। उसने ड्रैगन और MP40 गन सिलेक्ट कर लिए, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं बनने वाली। ड्रैगन और MP40 हमें को भी चलानी आती है, ये दोनों बहुत अच्छी गन है, तो यहाँ पर उसको मार देते हैं। ये वीडियो हमारे को पीछे से घा करने के लिए आया था। मेरे को पहले बता दो, पीछे से घा करने में कोई मज़ा नहीं आएगा, खेला है तो आगे जल के खेल। हम यहाँ पर हिल कर देते हैं गाइस, क्योंकि ये राउंड में ये हमारे को बहुत घुमा फिरा रहा है, क्योंकि इसकी फेवरेट गन MP40 आ चुके हैं। तो ये बंदा है ना गाठने वाला, मेरे को एक तरह से हम सिर्फ बाहर निकले और इसने हेड हमारे को चिपका दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक राउंड तो जीतेगा, तो मेरे को कोई दिक्कत गजब बेइज्जती है, एक बार मार देगा तो मेरे को कोई दिक्कत वाली बात पड़ने वाली। और इस राउंड में मैं तेरे को कैसा जुड़ूंगा ना, सोच ही ना होगी। MP40 तो चलानी हमारे को भी आती है, तुम्हारे को भी आती है, पर हम लेते नहीं, क्योंकि हमारे पास पोकर वाली MP40 है ना, उसे देख के तुम डर जाओगे। हाँ मेरी जान, अच्छा कहा ना मैंने। तो यहाँ पर सामने ही मेरे सामने सामने दिख क्यों ना रहा, वो जो लकड़े का स्तंभ है ना इसके पीछे, वो ग्रेनेड पर पुश किया, बहुत अच्छा ग्रेनेड पुश किया। तो मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं पड़ने वाली, हम क्योंकि हम है 1K हीरो। तो यहाँ पर देखते तो कहाँ जाएगा, मैं से बच के ग्रेनेड डाल है, ये ब्लास्ट हुआ, ये 5-5 का डैमेज, 5-6-7। और यहाँ पर दे बीडू खत्म, हेडशॉट के साथ तो खत्म हो गया। टाटा बाय बाय, मिलते हैं न्यू वीडियो में, उसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं, टाटा बाय बाय। रोग है लगा हुआ जो लिखता हर बात पे, मिलूंगा मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में, उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद।